नमस्कार दोस्तों, प्रेस कुमार इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी अगली वीडियो में आपको बताया था कि मैं एमएच लाइट पर काम करने वाला हूं, तो दोस्तों उस वीडियो को मैं लेके आ गया हूं। जैसे कि आप देख रहे हो विवरो कंपनी की ये लाइट हमारे पास है, काफ़ी पुरानी है, तो इसे खुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इसमें हम ऑयल डाल रहे हैं, जो कि इस ऑयल का काम होता है लगी हुई जंग को ख़त्म कर देना, जाम बोल्टों को खोल देना। तो बस हम वही कर रहे हैं, उसके बाद खोलेंगे, खोलने के बाद आपको दिखाएंगे इसकी सर्किट को, क्योंकि इसके अंदर सारा सब कुछ जल चुका है। तो इसके वीडियो को हम सारा सब कुछ निकाल के सारा सामान नया लगा के आपको दिखाएंगे। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और वीडियो दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि आधी दूरी जानकारी से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। खास करके स्टूडेंटों के लिए खास वीडियो है, क्योंकि इंडस्ट्री में जाते हैं तो ये काम मिलता ही मिलता है। जैसे कि दोस्तों उसके अंदर लगी हुई सर्किट प्लेट को हमने खोल लिया, उस पर नए चौक इन्वर्टर कैपेसिटर को लगाने की हमने कोशिश कर रखी है। तो जैसे ये देख रहे हो, इसमें फिलिप्स कंपनी का एक इन्वर्टर है, जिस पर डायग्राम भी बना हुआ है। जैसे इसमें एक लोड का है, एक न्यूट्रल का है, एक कनेक्शन का है, जो हमारे जैसे कि आप ये रेड वायर देख रहे हो लोड पर लगा हुआ है। लोड का मतलब दोस्तों होता है इसका मेन फेस पर लोड दे देना। तो जैसे कि आप देख रहे हो, एक हमने रेड कलर की वायर को हमने एक चौक के पॉइंट पर जुड़ रखा है, जो कि ये भी, और जैसे कि ये आप देख रहे हो न्यूट्रल वायर, इस पर हमने भी न्यूट्रल वायर को जोड़ कर और इस पर पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ से हमारे मेन लूप लगा रखे हैं हमने। तो जैसे ये पीली वायर है जो सेंटर पर लगा हुआ है, जो सी बना हुआ है कनेक्शन के लिए, ये हमारी चौक की देख सकते हो सीधा कनेक्शन ये हमारा चौक पर आएगा पीली वायर द्वारा। और सारे कनेक्शन दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो, ये हमने पीली वायर यहाँ से निकाल रखी है, जो कि ये चौक से जो आ रही हमारी लाइन है, जो लैंप पर लगेगी, लैंप बोल सकते हो, बल्ब बोल सकते हो, उस पर आके लगेगी। और जैसे कि दोस्तों देख रहे हो ये वाइट कलर की जो न्यूट्रल वाली वायर है, ये न्यूट्रल वाली वायर हमारी चौक पर नहीं जाती है, इन्वर्टर कैपेसिटर और मेन लाइन पर, और जैसे कि आप देख रहे हो लैंप वाली लाइन पर एक ही रहता है, कॉमन नहीं रहेगा। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये मैं जैसे दिखा रहा हूँ ये रेड कलर की वायर, ये रेड कलर की वायर लूप होती हुई सीधी चौक पर गई है, और चौक से एक लूप हमने लगा कर इग्निटर पर लगा रखी है दोस्तों। तो ये इसका कनेक्शन, अब जैसे हमने ये मेन लगा रखा है मेन पर दोस्तों, हमने ये रनिंग कैपेसिटर लगा रखा है दोस्तों। लगाने के बाद हम चलते हैं टेस्टिंग की ओर, देखते हैं लाइट कैसी ग्लो कर रही है। तो दोस्तों लाइट को मैंने जला दिया है, अभी स्लो मोशन में चल रही है, हौले हौले ये फुल रोशनी देने लगेगी दोस्तों। देखो फुल रोशनी देने लगी है, तो इसी तरीके से दोस्तों काम करती आई है। इसके डायग्राम में बना दे देता हूँ, जिस डायग्राम को आप देख सकते हो उसी तरीके से कनेक्शन कर सकते हो। इसका जो डायग्राम है इसी ओरिजिनल कंपनी का ही डायग्राम है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका सारा सब कुछ मेंशन किया हुआ है दोस्तों। अच्छे से देखेंगे तो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों।